कि मौजूदा जो एनडीए की सरकार है उसको जो है सबक सिखाने का काम कर रहा है। और जितना लोगों को परेशानी हुई है बिजली बिल से लेकर के, जो आपका प्रीपेड जो मीटर है उससे परेशानी हुई है, ज़मीन सर्वे को लेकर के उससे परेशानी हुई है, तो लोग जो है परेशान हैं। और आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जो है अपराध बढ़ा है। आज भी हमने जो है 110 केवल हत्याओं का सूची डाला है। किस प्रकार से जो है अपराधियों का दिवाली बन रहा है और कानून व्यवस्था विधि व्यवस्था का दिवाला बन रहा है। पूरी तरीके से ये लोग जो हैं सरकार के लोग हार चुके हैं, थक चुके हैं। अपराधी जो है बेलगाम हो चुके हैं, कोई कंट्रोल में नहीं है और लगातार घटनाएं जो हैं बढ़ती जा रही हैं। और हम सब लोग जो हैं जनता के बीच जाकर के महागठबंधन के पक्ष में हम लोग वोट मांगेंगे। और पूरा भरोसा है कि चारों जगह जहां उपचुनाव हो रहा है चारों जगह जो है हम लोग जीत सुनिश्चित करें। काफी एक बवाल हो रखा है, इन दिनों एक चल रहा है कि बटोगे तो कटोगे, इन सब नारों से आपको लगता है कि अब समाज के ताने बाने को बिखेरने की कोशिश की जा रही है? ये तो सुनने में नफरत भरा लगता है। पूरी तरीके से ये सब नफरत फैलाने की बात होती है। इनके मुंह से कभी पढ़ाई की बात नहीं हो सकती, कभी चिकित्सा की स्वास्थ्य की बात नहीं हो सकती, नौकरी बेरोजगारी की बात नहीं हो सकती, महंगाई गरीबी की बात नहीं हो सकती। इनके मुंह में इतना जहर है, केवल जहर ही उगलना इन लोगों का काम है। वो जहर उगलते रहे, हम लोग जनता के बीच रह के जनता के मुद्दे को उठाएंगे, जनता की लड़ाई लड़ेंगे और जनता को जीत दिलाएंगे। ये सब केवल अब लोग ड्रामा नौटंकी इन लोगों का समझ चुके हैं कि पूरी तरीके से बांटने का काम कौन कर रहा है, तोड़ने का काम कौन कर रहा है, नफरत और जहर फैलाने का काम कौन लोग करते हैं, कौन लोग हैं जो सत्ता में बैठ करके केवल जो है विकास का काम नहीं विनाश का काम करते हैं। लगातार जो है अपराधीकरण जो है बढ़ गया, पुल पुलिया गिरता जाता है, भ्रष्टाचार का खेल होता है। इस पे जो है सरकार जो है कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं होता। इसलिए जनता बिहार की जागरूक है, ऐसे नारों पर लोग विश्वास नहीं करते। बिहार अमन चैन शांति का प्रदेश है, बुद्ध की धरती रही है, तो यहाँ ये सब चलने वाला नहीं है। आप सब लोग तो नए नए आप लोग पोर्टल में आए थे, जब नया नया माइक पकड़े थे यार तुम लोग अपने करियर के शुरुआती दौर में। आप लोग जानते होंगे कौन कहता था कहाँ से लाएगा पैसा, आप लोग जानते नहीं हैं, सब जानते हैं। ज़रा उनसे पूछो जब तेजस्वी 10 लाख कहते थे तो क्यों नहीं मिला? उस समय आप कहते थे कहाँ से, बाप के पास से पैसा लाएगा, कहाँ से पैसा लाएगा, असंभव है बोलते थे मुख्यमंत्री। रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास होगा, सब चीज़ें हैं। अब 20 साल से सरकार थी तो 17 महीने में क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ? तो इसलिए हम सब लोगों ने, हम लोगों का यही मेन एजेंडा था कि अगर सत्ता में आए तो कम से कम हम लोग 10 लाख नौकरी दिलवाए। सरकार बनी अगस्त के महीने में, 15 अगस्त एकदम हफ्ते भर के अंदर, 5 दिन के अंदर मुख्यमंत्री जी से अनाउंस करवाया गया। बजट आप सुने होंगे ना भाई, गांधी मैदान में आज़ादी के दिन जो भाषण मुख्यमंत्री जी ने पहली बार दिया था, उन्हीं मुख्यमंत्री जी से हमने भाषण दिलवाया ना। ठीक है, सरकार के हेड हैं तो नाम तो होता ही है, लेकिन करवाने वाला कौन था? अगर हम 17 महीने नहीं आते तो कोई उसका जिक्र भी किया था क्या? 2 साल तक 20 से 22 कोई रिक्त पद की बहाली निकाली गई थी क्या? हमारे आने के बाद ही सारे डिपार्टमेंट के रिक्त पदों पर बहाली, हर एक डिपार्टमेंट उठा के देख लो निकाला गया कि नहीं निकाला गया। ये मोनियुल हक का जो हम शुरुआत किए थे, पूरा सब कुछ बनवाए हम लोग, बहुत सारा चीज़ है, काम हुआ कि नहीं हुआ? कौन कहता था, किसके एजेंडा में था कि खेलोगे तो भी नौकरी पाओगे, मेडल लाओ नौकरी पाओ जैसी योजनाओं के तहत 71-72 खिलाड़ियों को हम लोगों ने नौकरी दी? तो ये सब कौन कर रहा था भाई? किसके पास था डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग किसके पास था? मेरा तो, हम तो मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं हाथ जोड़ करके, मेरा उस समय हेल्थ डिपार्टमेंट वाला पब्लिक हेल्थ कैडर का फाइल जो था
वो कम से कम 1.5 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी उसमें। कैबिनेट में आपने रुकवा दिया, बोला कि बाद में करेंगे बाद में करेंगे, कैबिनेट में नहीं आने दिया। अब तो तेजस्वी नहीं है, कम से कम उन जायज काम तो कीजिए। वो 1.5 लाख पब्लिक हेल्थ कैडर का फाइल तो कैबिनेट से पास कराइए, उसमें 1.5 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी और मिलेगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा कि कहां कहां से नौकरी दिया जाएगा तो तेजस्वी बैठा है, बुला के बात कर लें।